ये महाराष्ट्र सरकार पगला गई है ऐसे मुझे लग रहा है। एक तरफ इतनी सारी समस्या इस राष्ट्र इस महाराष्ट्र में खड़ी है, उसको बाजू में हटके अब विवाह संस्था के ऊपर हमला बोल देने का काम कर दिया। अगर अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह होता है तो उनको उनको पता चलना चाहिए कि ये विवाह किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है। अरे तुम्हारा क्या लेना देना किससे है? अगर मैं संज्ञान हूं, 18 वर्ष के ऊपर हूं और संविधान ने मुझे कुछ भी करने का सोचने का अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरा मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आप कौन होते उसके बीच में आने वाले, आपका क्या लेना देना है? यानी यह व्यवस्था में क्षत्रिय क्षत्रिय ही में विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, वाणी बनिया वाणी ये उसमें ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अरे ये सब खत्म करने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था अंतर जातीय विवाह है, जिसको जिसको हम जाति अंत की लड़ाई बोलते हैं, वहां शुरू होती है। जो समाज जो जात इकट्ठा हो जाती है ये दीवारें गिर पड़ती है। शायद महाराष्ट्र का इतिहास इन्हें पता नहीं है कि जो लड़का पहली अपने पहली बार अपनी गोद में लिया, जिसको अपना वारस बनाया महात्मा फुले ने, वो ब्राह्मण था, और महात्मा फुले के इतना ब्राह्मणवाद के खिलाफ दूसरा कोई नहीं था। शाहू महाराज ने पहली शादी अपने घर में करवाई, वो इंटरकास्ट थी, धनगर समाज की थी। बाबा साहेब अंबेडकर की दूसरी बीबी जिसने उनकी बहुत सेवा की वो ब्राह्मण समाज की थी। और मैं बहुत सारे अभी के उदाहरण बता सकता हूं, बीजेपी में के कितने लीडर है जिन्होंने मुसलमान लड़कियों से शादी की है, नहीं तो मुसलमान पुरुष से शादी की है। उसमें क्या होता है? ये तो झगड़ा लगाने का काम है। आप बोल रहे हैं कि लड़की के घर वालों को अगर कोई है, दिक्कत है, कुछ है, उनको कुछ समझना है, बोलना है, तो हमें पता चलना चाहिए। अरे आप ये नहीं कर रहे हैं, आप दरवाजा खोल रहे हैं कि धर्म व्यवस्था अंदर जाए, धर्म संसद के लोग अंदर जाए और रुकवाए, ये शादी मत करो, ये शादी मत करो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, तुमको गांव से बाहर निकालेंगे। यही तो होता था 200 साल पहले। इस सब चीजों से बाहर निकल के महाराष्ट्र ने अपनी पहचान बनवाई। अब यह पहचान मिटाने के लिए जा रहे हो? मेरी खुद की बीबी कायस्थ प्रभु कुडाल देशकर कुछ है, सारस्वत कुडाल देशकर कुछ है, पर अलग जाति की है, मैंने पिछली जाति का हूं, वह ऊपर ऊपर जाति की है। उसमें क्या है? हम मियां बीबी है। अरे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तुम काजी क्यों बनना चाहते हो? ये जात व्यवस्था जो बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति जला करके 1927 में इसकी लड़ाई शुरू की थी, ये फिर से जात व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। शूद्र ने क्षुद्र ही रहना चाहिए, क्षत्रिय ने क्षत्रिय रहना चाहिए, बनिया ने बनिया ही रहना चाहिए, और ब्राह्मण ने ब्राह्मण ही रहना चाहिए। ये कुछ भी बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कानून है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को इन्फॉर्म करो एक महीना पहले, तुम शादी किससे, कब, क्या, कौन सी जगह पे, वो कहां रहता है, ये क्या रहती है, ताकि जाके इनके जो धर्म संसद के लोग है उस फैमिली के ऊपर दबाव लाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, मार डालेंगे, काट डालेंगे, फेंक डालेंगे, गांव से बाहर निकालेंगे, तुमको बहिष्कृत कर देंगे, तुम मेरे ऊपर बहिष्कार डालेंगे। ये सब होने वाला है। ये पिछले दरवाजे से मनुस्मृति और जात व्यवस्था मजबूत करने का काम मत करो, महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, महाराष्ट्र की जो व्यवस्था बदली हुई है उसको और नीचे स्तर पे मत लाओ। लव जिहाद इसका वाली समिति की रही ऐसा बताया जाता है। ऐसा ये लव जिहाद वगैरह ऐसा है कि लव जिहाद क्या है? ये लव जिहाद आपको मालूम है? क्रिश्चियन धर्म में कभी आपने डाइवर्स सुना है? क्योंकि उनके बाइबल में लिखा है। हर धर्म की एक किताब है जिसको हम उस धर्म की किताब मानते हैं। जैसे मुसलमानों में कुरान है, वैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, पारसियों की एक किताब है। उस धर्म के कुछ नियम है,
वो नियम जान लो, पढ़ो किताब, फिर आपको समझेगा कि क्या व्यवस्था रखी है उस धर्म ने। आपको कुछ भी मालूम नहीं। अब शादी के ऊपर भी सरकार का नियंत्रण आएगा तो इसके आगे सेक्स के ऊपर भी आएगा कि हफ्ते में कितने बार सेक्स करना चाहिए। ये तो अजब गजब सरकार है। अरे अपना अपना काम देखो यार, महाराष्ट्र में बहुत काम बाकी है। ये फोन किससे शादी कर रहा है, किसकी मां क्या बोल रही? अच्छा मेरी लड़की शादी की एक क्रिश्चियन से के साथ की। मैं अगर विरोध करता तो क्या मेरी बेटी मानती? भाग जाती घर से, बोल के जाती मुंह पे मेरे आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, आई विल मैरी माई फ्रेंड। अरे कंप्यूटर आया है, देश आगे बढ़ रहा है, लड़के लड़कियां समंदर पार जा रही है, और ये कौन सा तुम 200 साल पुराना कानून ला रहे कि हमको पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए? ऐसा होगा नहीं। हम ये तो अच्छा है कि लड़के लड़कियां ये सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगी,